अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुर्तज़ा हबीब है। प्लास्टिक की आलूदगी उन बड़े माहौलियाती मसाइल में से एक है जिसका आज पूरी दुनिया को सामना है। प्लास्टिक हमारे खुश्की और पानी दोनों को नुकसान पहुंचा रही है, हत्ता कि ये समंदर में मौजूद जानवरों को भी नुकसान पहुंचा रही है। एक तहकीक के मुताबिक 60% वेल और डॉल्फिन प्लास्टिक खा के मर जाते हैं। प्लास्टिक कभी भी डिकम्पोज नहीं हो सकता। अगर हम प्लास्टिक को ज़मीन में दफन कर दें और 100 साल बाद खुदाई करें तब भी प्लास्टिक वहीं रहेगा। पाकिस्तान में 74% नलकों में आने वाले पानी में प्लास्टिक के अज्जा पाए जाते हैं जो इंसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कई बीमारियों का सबब बन रहे हैं, जैसा कि कैंसर, लंग्स, सांस की बीमारी। 90% प्लास्टिक रिसाइकल नहीं हो सकता, जबकि सिर्फ 10% प्लास्टिक रिसाइकल हो सकता है। हमें चाहिए कि हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें ताकि अपनी और जानवरों की ज़िंदगी महफूज रख सकें। हमें चाहिए कि हम प्लास्टिक के शॉपर का इस्तेमाल ना करें, हम कपड़ों के थैले का इस्तेमाल करना चाहिए। आप भी आएं और प्लास्टिक का इस्तेमाल ख़त्म कर दें।